प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए डीबीवीएनएल के पुराने बकायेदारों को राहत देते हुए 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ओटीएस योजना लागू की है। आपको बता दें, इसके साथ ही पुरानी चोरी के मामलों को निपटाने के लिए भी विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व पर 60% से लेकर 65% तक की छूट दी जा रही है। बावजूद इसके काफी लोग अभी भी इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। ठीक है, ये विद्युत विभाग इस वर्ष एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस स्कीम लाई है। यह स्कीम 3 चरणों में इस बार है। एक जो है प्रथम चरण इसका समाप्त हो चुका है, जो कि 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक था। द्वितीय चरण इसमें जो है प्रक्रिया में चल रही है, जिसकी अवधि 15 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। तीसरा चरण इसका 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए होगा। यह हमारे सरकार का ऐतिहासिक ऐतिहासिक पहल पर है कि इस समय विद्युत भार के जितने भी घरेलू या वाणिज्यिक निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए, इसी के साथ साथ विद्युत चोरी के जो भी प्रकरण हैं उनमें भी जुर्माने की राशि में छूट दी गई है। और इसमें विद्युत चोरी के प्रकरणों को इस ओटीएस योजना में पहली बार जो है सम्मिलित किया गया है। सरकार ये चाहती है कि चोरी के प्रकरणों को कम किया जाए, जिसके लिए उपभोक्ताओं को इस समय जो अभी योजना हमारी दूसरे चरण की चल रही है, इसमें एक मुश्त एक साथ जमा करने पर मात्र जो है 40% उनको जमा करना पड़ेगा, 60% की छूट मिल रही है। और यह योजना अभी 16 तारीख से लेकर के आगे जब चलेगी तो थोड़ा सा छूट इसमें कम होगा। तो इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, पत्रकार भाइयों से निवेदन है, मीडिया से निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, और जिससे कि हमारी जनता इससे जागरूक होकर एकमुश्त समाधान योजना का 100% लाभ उठा सके। देखिए, इसमें हम लोग अपने हर क्षेत्र में, एक तो मुनादी से, दूसरे अपने लाउड स्पीकर से, और इसके साथ ही साथ अखबारों में जो भी पंपलेट है ओटीएस का, इसको दे करके, और साथ ही साथ जो हमारे संविदा कर्मी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उस गांव में उस फीडर से जुड़े हुए हैं तो लगभग उस गांव के लोगों को जानते हैं, उनके यहाँ जो पूर्व की नोटिसेस हैं उनको फिर से छपवा करके उनके यहाँ दिया जा रहा है, साथ में प्रचार किया जा रहा है। और जहाँ कैंप लगना होता है एक दिन पूर्व वहाँ हमारे लोग अनाउंसमेंट करते हैं और उनको जागरूक करते हैं कि ये ओटीएस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसमें भाग लें, और जो हमारे सरकार का यह ऐतिहासिक और इतना अच्छी योजना आई है उसका भरपूर लाभ उनको मिलता है।